Hi kids, welcome to your English class, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with the series Literary Journeys, an English Literature book for class 7 by Brain Root Publications. So students, so far we have done 3 chapters. Now today we would be starting with chapter number 4, that is Thomas Alva Edison. Alright. Children, you all have known about different scientists who have invented different kind of inventions. आपने वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है ना, जो अलग अलग तरह के खोज करते रहते हैं जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान बन जाती है. ऐसे ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट आविष्कार था इलेक्ट्रिक बल्ब का. ठीक है, यानी ये जो हम आजकल बल्ब्स देखते हैं जिनकी वजह से हमारे घरों में रोशनी आती है, उसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने. तो आज हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. एडिसन्स फुल नेम वॉज थॉमस एल्वा एडिसन. ही वॉज एन अमेरिकन. ही लव्ड एक्सपेरिमेंट्स इवन इन हिज चाइल्डहुड. तो एडिसन का पूरा नाम क्या है? एडिसन का पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, और वो बचपन से ही एक्सपेरिमेंट्स यानी अलग अलग तरह के खोज करना बहुत पसंद करते थे. ठीक है, वो अमेरिका के निवासी थे और उनको साइंस में यानी विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी. ही ऑलवेज वॉज क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स. अब एडिसन उन बच्चों में से आते थे जो बार बार सवाल पूछते थे. जब तक उन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक निरंतर वो प्रश्न करते ही चले जाते थे, और इन प्रश्नों का ही जो है महत्व है उनकी लाइफ में, क्योंकि अगर वो सवाल नहीं करते तो शायद उनको कभी उनके जवाब भी नहीं मिलते और आज वो इतने बड़े वैज्ञानिक भी नहीं बनते. Find out the names of the following scientists. Write a sentence or two about what they discovered or invented. As you can see children, there are 6 different photographs, है ना? ऐसे 6 लोगों की pictures दी हुई हैं और ये सभी काफ़ी famous scientists हैं. ठीक है, इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग खोज की है. तो हमें इनका नाम बताना है और एक एक लाइन इनके बारे में लिखना है. ठीक है, दिस इज़ समथिंग टू बी डन बाई यू. ये आपको खुद करना है, पर फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ एक दो जनों के बारे में. ये बहुत ही फेमस पिक्चर है, दिस इज़ एल्बर्ट आइंस्टाइन. ऑल राइट, उसके बाद मैडम क्यूरी, देन वी हैव योर गैलीलियो गैलीली. क्लियर, देन यहाँ से अगर हम क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज चलें तो फिर आते हैं आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन. ठीक है, तो ये साइंटिस्ट हैं, ये सभी साइंटिस्ट हैं, कुछ ना कुछ इन्होंने इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ की हैं. आपको इनके नाम लिखने हैं और इन्होंने क्या खोज किया है या क्या आविष्कार किया है उसके बारे में एक दो पंक्तियाँ लिखनी हैं. ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ टू बी डन बाय यू. ये आप खुद करेंगे. ठीक, आगे बढ़ें. हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड विच टेल्स इज अबाउट हिज ईगरनेस टू नो थिंग्स. तो आज जो हम कहानी पढ़ रहे हैं उनके बचपन की कहानी पढ़ रहे हैं. किसके बचपन की? थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन की. और इस कहानी में बेसिकली हम पता करेंगे कि कैसे उन्हें हर एक चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी. वो हर एक छोटी बड़ी चीज़ को बहुत ज़्यादा टटोल के देखते थे और कई तरह के सवाल पूछते थे. वन डे यंग एडिसन वॉज एट स्कूल. When his teacher was telling a story about birds in the class, Edison stood up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" अब एडिसन भी, हम सभी छोटे बच्चों की तरह, जो लोग हम जब छोटे थे जैसे हम स्कूल जाते थे, एडिसन भी स्कूल जाते थे. एक दिन उन्होंने अपनी कक्षा में अपनी शिक्षिका यानी अपनी टीचर से पूछा कि मैम, ये जो पक्षी उड़ते हैं वो आसमान में कितने अच्छे से ऊंचा ऊंचा उड़ लेते हैं, तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं मनुष्य, वो क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स लाइक बर्ड्स, रिप्लाइड द टीचर. तो टीचर ने जवाब में दिया कि
कि पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पंख हैं, लेकिन मनुष्य के पास कोई पंख नहीं है इसीलिए मनुष्य उड़ नहीं सकता। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड येट वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। अब कुछ देर के लिए एडिसन कुछ सोचने लगे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने फिर से एक और सवाल पूछा। उन्होंने अपनी टीचर से पूछा कि लेकिन मैम ऐसे तो पतंग भी आसमान में उड़ती है, हम जब पतंग उड़ाते हैं हमारी पतंग कितनी ऊंची उड़ती है, लेकिन पतंग की भी तो कोई विंग नहीं है, पतंग के भी तो पंख नहीं है, फिर वो कैसे उड़ती है। द स्टूडेंट्स लाफ्ड एंड द क्लासरूम वॉज फिल्ड विद नॉइज ऑफ लाफ्टर। एट दिस द टीचर बिकेम एंग्री एंड लॉस्ट हर पेशेंस। और एडिसन का जवाब सुन के जो क्लास में बाकी बच्चे थे वो हंसने लगे, उन्हें बड़ा मज़ा आया। अब क्योंकि चारों तरफ सब लोग हंस रहे थे तो क्लास में डिस्टर्बेंस हुआ और एडिसन की जो टीचर हैं उन्हें गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर उन्होंने अपना जो संतुलन है वो खो दिया, उनका जो धैर्य शक्ति था वो टूट गया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, सो ही आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल। अब टीचर को इतना गुस्सा आया, उन्हें लगा कि वो बच्चा सवाल पूछ के बेसिकली दूसरों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है या टाइम को वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि टीचर ठीक से पढ़ा ना पाए। उन्हें इतना गुस्सा आया उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा इसे स्कूल से बाहर निकाल के ले जाइए, इससे कुछ नहीं हो सकता, ये पढ़ने लिखने के लायक नहीं है, ये पढ़ लिख नहीं सकता, ये तो शैतानियों में ही सिर्फ इसका दिमाग है और ये सिर्फ उल्टे सीधे सवाल करता है, जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान नहीं देता। His parents took him home, but they knew well that he was not a stupid boy. The incident took place when Edison was only 8 years old. Now see, this is a picture of Thomas Alva Edison. ये आपने first page पे भी देखा था, okay? So his parents, who were quite supportive of Edison, वो घर लेके तो वापस चले गए स्कूल से एडिसन को, लेकिन उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि एडिसन एक्चुअली कोई मंद बुद्धि बालक नहीं है, रादर ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। दिस इंसिडेंट टू प्लेस वॉज एडिसन वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। और ये जो घटना घटी ये कब घटी, जब एडिसन सिर्फ 8 वर्ष के थे। नाउ नो अनदर इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड एंड पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स इन इट बीक्स एंड फ्लू अवे। This gave young Edison an idea. अब एक दिन एडिसन घर में चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है, बाहर आराम से नेचर को प्रकृति को एंजॉय कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एकदम से एक चिड़िया उड़ के आई और नीचे से जो वॉर्म्स होती है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं अर्थ वॉर्म्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्म्स, उसको अपनी चोंच में दबाया और उड़ गई। ये देखते ही एडिसन को कुछ आइडिया आया। The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms, he said to himself. तो एडिसन बच्चे थे, उन्हें इतना पता नहीं था, उन्हें लगा कि ये जो चिड़िया है ये इसलिए आसमान में उड़ सकती है क्योंकि इसने उस वॉर्म को खाया है। यानी अगर मनुष्य हम लोग भी कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू कर दें तो हम भी शायद आसमान में उड़ सकते हैं। He wanted to try experiment on someone. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it into water. He took the mixture to a servant girl and said to her, "This is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see." अब छोटे बच्चे थे एडिसन, उन्हें सही गलत का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं पता था, उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। उन्होंने कुछ वॉर्म्स को पकड़ा और उसका एक पेस्ट बनाया और उसको पानी में घोल दिया, ठीक है, और फिर वो मिक्सचर ले गए एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि अब इसे पिला के देखता हूँ किसी को कि वो इंसान उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। तो उनके घर पे कोई काम करने वाली लड़की थी, वो उसके पास गए और उनको बोला ये पी के देखो, ये मिक्सचर अगर आप पियोगे, ये शरबत पियोगे तो आप भी आसमान में उड़ सकते हो। The poor girl believed him and drank the mixture. Well, she didn't fly but fell ill. Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments in future. अब वो लड़की, उसे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, वो जो सिंपल काम करने आती थी तो ज़्यादा नॉलेज उसको भी नहीं था,
उसे लगा अगर एडिसन बोल रहा है तो करके ही देख लेते हैं, ट्राई करके। उसने पानी पिया, उड़ तो वो पाई नहीं लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जब एडिसन की मम्मी को पूरा इंसिडेंट पता चला तो उन्होंने एडिसन को डांटा भी और समझाते हुए वार्न भी किया कि एडिसन अगली बार से इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। इन रियलिटी एडिसन वॉज अ वेरी फनी बॉय। ऑल्दो ही फेल्ड इन हिज सिली एक्सपेरिमेंट्स, येट ही लर्न फ्रॉम दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। अब एडिसन हालांकि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे जिनका कोई रिजल्ट नहीं आता था, लेकिन वो बुद्धू नहीं थे, वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थे, वो चालाक थे और उन्हें पता था कि हर बार जब वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है इसका मतलब उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो गलत है। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम। उन्हें किताबें बहुत अच्छी लगती थी और इसीलिए वो बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते थे। हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड। ही रेड वाइडली एंड विद दैट पॉकेट मनी ही बॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। सो थॉमस के पापा ने उनको ये बुक रीडिंग की हैबिट डलवाने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका सोचा। हर बुक जो एडिसन बहुत ध्यान से पढ़ते थे उसके लिए उन्हें 25 cents मिलते थे। सेंट्स मीन्स करेंसी। ठीक है, दिस वर्ड सेंट्स, दिस मीन्स करेंसी। अब सेंट का मतलब करेंसी है तो 25 सेंट छोटे से बच्चे के पॉकेट मनी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑलराइट, तो एडिसन क्या करते थे, एडिसन उन 25 सेंट्स को जैसे ही उनको मिलते थे वो उनसे और बुक्स खरीद लाते और फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने एक पूरी बड़ी सी बुक्स की लाइब्रेरी कम लैबोरेटरी डेवलप कर दी। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। इन फैक्ट यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। वो कहते हैं ना कि हमारी फर्स्ट और सबसे अच्छी टीचर माँ होती है, हम जो भी सीखते हैं सबसे पहला ज्ञान हमें हमारी माता देती है। तो सेम थिंग हैपेंड विद थॉमस एडिसन ऑल्सो। ही ऑल्सो फाउंड दैट हिज मदर वॉज हिज बेस्ट टीचर। उनकी मम्मी हमेशा उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती रहती, उनका मनोबल बढ़ाती रहती और साथ ही में उनके हर एक एक्सपेरिमेंट में जो कुछ भी वो खोज करने की कोशिश करते या रिसर्च करते उसमें उनकी मम्मी उनकी मदद करती। He used to observe things very closely and do a lot of experiment. और अपने मम्मी के ही नेतृत्व में वो क्या करते, कई तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट से नोट करते रहते कि अच्छा मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे मुझे ये हुआ, ये फेल हो गया, ये सक्सेसफुल हो गया। इस तरह से हर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में वो नोट करते रहते थे और स्लोली एंड स्लोली उनका नॉलेज जो है काफ़ी बढ़ने लगा। Now Edison needed money to carry on his studies further. He wanted to purchase some books and wanted to go out and see new places and new people. So he decided to serve in railways. अब जैसे जैसे Edison बड़े होने लगे उन्हें लगा कि उन्हें higher education की ज़रूरत है। वो जिस तरह के experiments करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें और ज़्यादा knowledge चाहिए और इसके लिए उन्हें किसी न किसी higher institute में जाना पड़ेगा जिसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। वो नई नई जगह को घूमना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, अलग अलग जगह को जाकर खुद से देखना और समझना चाहते थे। तो वो क्या करें ऐसा कि उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेलवेज़ में नौकरी कर ली। इससे दो फायदे हुए, एक उनका एक इनकम आने लगा, पैसे कमाने लगे एंड सेकेंड कि वो जो हैं रेलवेज़ के ज़रिए अलग अलग जगह पे घूमने लगे, मतलब नई नई जगहों पे भी जाने लगे, है ना। ही कुड गेट परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स आफ्टर अ ग्रेट डिफिकल्टी। ही बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रैवल्ड अप एंड डाउन इन ट्रेन टू डिट्रॉयट। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द वेरी फर्स्ट डे। नाउ व्हाट हैपेंड, पहले तो उनके मम्मी पापा बिल्कुल राज़ी नहीं हुए, फिर फाइनली एडिसन ने बहुत ज़िद, बहुत ज़बरदस्ती, कई सारे तरीके करके मम्मी पापा को मनाया कि नहीं प्लीज़ मुझे काम करने दो, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, मुझे जगह देखने में बड़ा मज़ा आता है। सो फाइनली उन्होंने एक न्यूज़पेपर बॉय का काम ले लिया ट्रेन में और हर रोज़ वो ट्रेन से डेट्रॉयट जाते थे। ठीक है, और वहाँ पे वो ट्रेन के अंदर क्या क्या बेचते थे, व्हाट ही सोल्ड, ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स।
और पहले ही दिन काम के लिए उनको कितने पैसे मिले, उनको $2 मिले। फर्स्ट डे जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, उनकी जो सेल हुई उनको $2 मिले थे। ही टुक द $2 एंड सेड टू हिज मदर एट सपर एट नाइट, टेक दिस डॉलर, एवरी नाइट आई विल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, इट्स माई प्रॉमिस, एंड ही केप्ट दैट वर्ड। अब थॉमस ने जिस दिन उन्होंने पहली बार पैसे कमाए, उन्होंने अपनी मम्मी को रात में जब डिनर करने बैठे सब लोग, तब उन्होंने डॉलर देते हुए बोला कि टेक दिस डॉलर, ये $1 आपका, और हर रोज़ अब से जब भी मैं इनकम करूँगा $1 मैं आपको दूंगा, और ये मेरा प्रॉमिस है। और एडिसन ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा, वो हमेशा इस बात को जब तक वो जीवित रहे इस बात को कंटिन्यू करते रहे। A year or two later, Edison decided to start his own newspaper. He bought an old printing press and set it up in his railway wagon. He edited and printed his paper, sold a number of copies and made more money. With that money, he set up a small laboratory in his railway wagon. So, अब एडिसन ने क्या किया? एडिसन को लगा कि सिर्फ बेचने से काम नहीं होगा, प्रॉफिट ठीक से आ नहीं रहा है, इनकम ठीक से हो नहीं रही है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ दिन मैं काम करता हूँ, जब मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो जाएंगे तो क्यों ना मैं अपना खुद का न्यूज़पेपर सेटअप करूँ। और इसी पर्पज़ के साथ उन्होंने कुछ पैसे जमा किए और फिर एक पुरानी प्रिंटिंग मशीन ली। उस प्रिंटिंग मशीन के सहारे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स जो है छापने शुरू किए, और जब उन्होंने अपना न्यूज़पेपर छापा और उसे बेचा तो उनको प्रॉफिट भी होना शुरू हुआ। और जो भी उनको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ, उससे उन्होंने एक छोटा सा लैबोरेटरी अपने ही रेलवे वैगन में, जो जिस पे वो ट्रैवल करते थे, उसमें सेटअप कर लिया ताकि वो वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट्स कर सके। When he was 15, he met with an accident that affected his career. While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned down a corner. There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and caught fire. Before he could put it out, the newspapers had caught fire. The fire spread and Edison shouted for help. अब जब वो 15 साल के थे तब एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक बार एडिसन अपने रेलवे कैरेज के अंदर अपना जो उन्होंने छोटा सा लैबोरेटरी सेटअप किया था उसमें कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और क्योंकि उनका तो वैगन अलग ही था, मतलब वैगन अलग था इन द सेंस रेलवे में बहुत सारे डब्बे होते हैं एक ट्रेन में, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर वैगन में अपना लैब सेट किया हुआ था। ठीक है, अब वो अपने वैगन में बैठ के काम कर रहे थे और ट्रेन जो है थोड़ी सी डीरेल हो गई कॉर्नर से, इसकी वजह से ट्रेन हिल गई, और हिलने की वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली लैबोरेटरी की चीज़ें भी हिली होंगी, और कुछ फॉस्फोरस इज अ केमिकल एलिमेंट, फॉस्फोरस नीचे गिरा और वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव था कि जितने भी न्यूज़पेपर्स थे उनमें आग लग गई। अब एडिसन चिल्लाने लगे मदद के लिए कि मुझे बचाओ, आग लगी है। सो फाइनली द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, द गार्ड्स केम इन टुगेदर एंड दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, but that was the end of Edison's service on the train and he was dismissed at the next station. तो guards आए भी, उन्होंने Edison को बचा भी लिया, उन्होंने आग को भी बुझा दिया, लेकिन उस दिन के बाद Edison की जो जॉब थी रेलवेज में वो ख़त्म हो गई। अगले स्टेशन पे Edison को उतार दिया गया ट्रेन से सेफली, और बाद में उनको उनकी नौकरी से डिसमिस कर दिया गया, यानी बर्खास्त कर दिया गया। अब आगे चल के वो कभी भी ट्रेन में किसी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इनफैक्ट रेलवेज में वो काम ही नहीं कर सकते। आफ्टर स्टडिंग एंड डूइंग डिफरेंट जॉब्स फॉर अबाउट 10 years, Edison मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड Edison अर्न्ड मोर फेम एंड मनी। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. The next year, he actually made one which was known as a talking machine. Now we call it the gramophone. So, Edison ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो भी उन्होंने इनकम किया था इतने दिनों में वो सेव करते थे, तो उससे उन्होंने अब अपनी हायर स्टडीज करनी शुरू कर दी, और साथ ही साथ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को भी जारी रखा, और बहुत जल्द एक के बाद एक उन्होंने कई सारी खोजें की, और उनके इन्हीं
खोजों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। उनके इन्वेंशंस की वजह से ना केवल वो प्रसिद्ध हुए बल्कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलने लगा। 1877 में उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन करने की कोशिश की, और ये किस चीज़ की मशीन थी? ये एक ऐसी मशीन थी जो कि बिल्कुल ह्यूमंस की आवाज़ यानी मनुष्य की आवाज़ में बात कर सके। और उन्होंने अगले साल मतलब एक साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसे एक मशीन बनाया भी, और उस मशीन को पहले टॉकिंग मशीन के नाम से जाना जाता था, जिसे आज हम लोग ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं, जिस पर हम लोग गाना सुनते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर्स। ऑलराइट, द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट एंड बिकेम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। नाउ ही वॉज अ सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। He owed all to this, his mother's help and encouragement and his hard work. तो उसी साल एडिसन को उनकी पॉपुलैरिटी के चलते व्हाइट हाउस, जहाँ US के प्रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ बुलाया गया, और एडिसन अपना जो टॉकिंग मशीन है वो लेके वहाँ गए। वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आते हैं, और एडिसन ने जब अपना इन्वेंशन सबको दिखाया तो सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। सब ने उनकी बहुत प्रशंसा की, और रातों रात एडिसन पूरे अमेरिका में चर्चा का विषय बन गए, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। एडिसन से जब पूछा गया कि वो अपनी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं, तब एडिसन ने कहा कि उनकी कामयाबी का श्रेय सबसे पहले उनकी माता को जाता है, जिन्होंने हमेशा उनकी मदद की है, हमेशा उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, और उसके बाद उनका जो भी परिश्रम है यानी जो हार्ड वर्क है, जो डिटर्मिनेशन है जिसके साथ वो काम करते हैं, वो भी उनके सक्सेसफुल होने के लिए ज़िम्मेदार है। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज एज दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। अब एडिसन जब छोटे थे और जब बड़े भी हुए, उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी मतलब इस तरह के इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह तब तक डिज़ाइन नहीं हुए थे। लोग जो है ऑयल लैम्प्स यानी मिट्टी के तेल के दिए या लैम्प्स या कैंडल्स जला के ही काम चलाते थे, ठीक है। सो लोगों ने कभी इलेक्ट्रिक बल्ब का नाम भी नहीं देखा, ना सुना, और ना ही कभी सोचा था कि ऐसा कुछ बन भी सकता है। जब एडिसन कभी अपना विचार लोगों के सामने रखते कि वो एक इसी तरह का इलेक्ट्रिक बल्ब या कुछ ऐसा डेवलप करना चाहते हैं जिससे रोशनी आ सके, तो लोग उनकी बातें सुन के हंसते थे, ठीक है। दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, बट ही डिड नॉट गिव अप होप। आई मस्ट कीप द प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, एंड वर्कड हार्डर स्टिल। तो एडिसन ने जो है लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने निरंतर प्रयास करते गए, और कई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है उनके फेल हो गए। वो कई बार बल्ब बनाने की कोशिश करते पर हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। 1000 से भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स फेल होने के बाद भी एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मैंने लोगों को वादा किया है कि मैं उनको इलेक्ट्रिक बल्ब बना के दिखाऊँगा, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना वादा पूरा करूं। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। सो ऑलमोस्ट 1200 एक्सपेरिमेंट्स के बाद, 1200 एक्सपेरिमेंट्स फेल होने के बाद, फाइनली उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बना ही दिया। नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एडिसन, ओके। सो उन्होंने फाइनली जो है एक इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। ऑन न्यू ईयर्स डे इन 1818 यानी 2-3 साल के कड़ी मेहनत के बाद, ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स इन देयर लैबोरेटरी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी द ग्रैंड साइट। एडिसन केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल ऑफ न्यू यॉर्क सॉ शाइनिंग एंड ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो फाइनली उसी साल एडिसन ने जिस साल बल्ब बनाया
उन्होंने कुछ बल्ब्स बनाए और न्यू ईयर के दिन अपने लेबोरेटरी में बल्ब्स का एग्जीबिशन लगाया। जितने भी बल्ब्स उन्होंने बनाए थे उन सबको सजा के लोगों को देखने के लिए बुलाया। और अमेरिका से दूर दूर से, अमेरिका में जितने भी लोग थे, दूर के गांवों से, पास के गांवों से, शहरों से, हर जगह से लोग उनके लैब में आए इलेक्ट्रिक बल्ब देने के लिए, और वो बिल्कुल चौंक गए। उन्होंने कभी भी इलेक्ट्रिक बल्ब पहले नहीं देखा था, तो उनके लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। और सब लोग जो पहले बोल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, अब वो एडिसन की तारीफ करने लगे। फाइनली न्यूयॉर्क के लोगों ने पहली बार 1882 में, यानी 1882 में, उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रॉपरली देखे। मतलब लैब्स से होते हुए बाकी लोग भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स का यूज़ करने लगे। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। In 1929, the silver jubilee of invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. So, Edison ने हमेशा ही अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स और अपने देश के लिए काम किया है। वो हमेशा अपने जीवन काल में लोगों की भलाई के लिए ही सोचते और कैसे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके वही सोचते रहते। और उनके इन्हीं कामों के लिए उनको जो है मेडल फॉर सर्विस अवार्ड भी मिला हुआ है। 1929 में 25 साल पूरे हुए इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब जो लॉन्च किया था एडिसन ने 1800s में, उसको इन्वेंशन हुए यानी खोज किए हुए 25 साल हो गए, तो उसका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम्ड एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। Edison got up at the function to thank the president but suddenly felt ill. His illness became worse and he died on Sunday morning, 18th October 1931. So, उनको congratulation करने के लिए या उनकी याद में जो है उनको बुला के कि उन्होंने इतना अच्छा experiment किया था कि लोगों को अब इतना easy होता है bulbs की वजह से, life was much more easier at night. रात को electric bulbs की वजह से कितनी ज़्यादा हमें आसानी हो गई ना काम करने के लिए, तो उनके इतने बड़े खोज के लिए उनको सम्मानित किया गया, जिसके लिए एक बहुत ही बड़ा समारोह आयोजित किया गया। जब प्रेसिडेंट ने, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ने एडिसन को स्टेज पे बुलाया उनका सम्मान करने के लिए, तब अचानक एडिसन की तबीयत धीरे धीरे ख़राब हो गई। और इसके बाद, मतलब इस इंसिडेंट के बाद, स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब ही होती चली गई। एंड फाइनली 2 साल बीमार रहने के बाद 18 अक्टूबर 1931, यानी 18th अक्टूबर 1931 ही डाइड, मतलब एडिसन का देहांत हो गया। दस वॉज द एंड ऑफ अ ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ विद हैप्पीनेस। ही वंस सेड, आई वुड नेवर इन्वेंट एनीथिंग व्हिच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी। एक बार एडिसन से पूछा गया था तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसा कभी कोई आविष्कार नहीं करूंगा जिससे मानवता या मनुष्यों को किसी तरह का कोई नुकसान हो। मैं हमेशा वही चीज़ें बनाने की कोशिश करूंगा जिससे हम लोगों की लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। He also said, the world has been in darkness too long. I would like to give the world more laughter and more light. उनका मानना था कि already हम कई साल अंधेरे में बिता चुके हैं और लोगों के पास बहुत दुख है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में खुशियाँ और रोशनी बिखेर सकूँ। He kept his word. His gramophone brought us more laughter and his electric lamp has given us more light. We are and shall remain indebted to this great scientist. और एडिसन ने एक्चुअली अपना वादा पूरा किया। उनका जो ग्रामोफोन था वो, उसके थ्रू हम म्यूज़िक सुनते हैं, रिकॉर्ड सुनते हैं जिससे हम खुश होते हैं। और रही बात रोशनी की, तो बल्ब तो उन्हीं की देन है। इलेक्ट्रिक बल्ब स्विच ऑन करते ही ऑन हो जाता है और चारों तरफ रोशनी फैला देता है। तो कहीं ना कहीं एडिसन ने अपना वादा अपने जीवन काल में ही पूरा कर दिया था।
The world still needs more scientists who may bring happiness, comfort, prosperity and security to the people. The inventions of the scientist should be for the welfare of people and not for destruction. तो हमें आज भी एडिसन जैसे ही वैज्ञानिक की ज़रूरत है. साइंस बहुत ही लाभदायक है अगर उसको सही तरीके से प्रयोग किया जाए, लेकिन अगर विज्ञान का गलत इस्तेमाल हो तो फिर लाइफ को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, यानी वो हमारे जीवन में विनाश भी ला सकता है. तो इसीलिए हमें ऐसे वैज्ञानिक और ऐसे मनुष्यों की ज़रूरत है जो विज्ञान की जो शक्ति है उसको समझे और उसको एक सकारात्मक रूप दे, यानी उससे हमेशा इस तरह की खोज करे जो लोगों की लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाए और ना कि कहीं पे भी कोई विनाश का कारण बने. ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, विद दिस वी फिनिश विद द चैप्टर ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन. मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप समझ सकते हैं कि एडिसन जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमारी लाइफ को कितना ज़्यादा आसान और कितना ज़्यादा बेहतर बना दिया है. सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज़ अ ग्लॉसरी हेयर. वी हैव सर्टन वर्ड्स दैट वी केम अक्रॉस वाइल रीडिंग द चैप्टर. जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमें कुछ वर्ड्स दिखे थे डिफ़िकल्ट, तो आइए उनका मीनिंग एक बार और समझ लेते हैं. क्यूरियस का मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, यानी ईगल. जॉल्ट मीन्स शॉक और जर्क, यानी कि धक्का लगना. इंसिडेंट मीन्स एन इवेंट. प्रॉस्परस मीन्स रिच. सिली मीन्स फुलिश, कोई बेवकूफ. एनरिच्ड मीन्स मेड रिचर, किसी चीज़ में और ज़्यादा रिचनेस लाना. डेट्रॉइट, इट इज़ अ सिटी ऑफ अमेरिका, अमेरिका का एक शहर का नाम है. इनडेप्टेड मतलब ग्रेटफुल, यानी कृतज्ञ होना. एडिटेड मीन्स रीडिंग फॉर करेक्शन, यानी किसी चीज़ को एडिट करने का मतलब है जब हम किसी चीज़ में से मिस्टेक्स हटा देते हैं, पढ़ के उसमें सारी चीज़ें सही कर देते हैं. क्लियर? सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न. तो आइए इनको एक एक करके करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, एडिसन्स मदर वॉज पेशेंट एनफ टू गिव एडिसन एनफ मनी, बियर ऑल द हार्डशिप कॉज्ड बाय एडिसन, आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एडिसन, वेट फॉर द रिजल्ट ऑफ एडिसन्स लेबर. तो इसका सही जवाब है आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एडिसन. वो हर सवाल का जवाब देती थी. एडिसन कुछ भी पूछते थे वो उनको हर सवाल का जवाब देती थी और साथ ही में एडिसन को हर तरह से मदद भी करती थी, उनको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी. सेकेंड, एडिसन डाइड बिकॉज ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही सडनली फेल इल, हिज कैरेज कॉट फायर, ही कुड नॉट बियर हिज फेलियर इन द फर्स्ट 1000 एक्सपेरिमेंट्स. उनकी मृत्यु का कारण ये था कि वो अचानक बीमार पड़ गए थे. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ही सडनली फेल इल. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. थर्ड, व्हेन एडिसन प्रॉमिस्ड पीपल टू गिव देम इलेक्ट्रिसिटी लाइट, दे बिकेम हैप्पी, दे लाफ्ड एट हिम, दे गॉट एंग्री, बोथ ए एंड बी. सो जब एडिसन ने पहली बार इलेक्ट्रिक बल्ब देने का वादा किया था लोगों को कि मैं इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करूँगा, ऐसा उन्होंने बताया था, तो लोग उन पर हंसने लगे थे क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कोई खोज किया भी जा सकता है. इसीलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. यस, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर. एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग डैश एंड वॉज नेवर डैश टिल ही गॉट द राइट आंसर. सो इसका आंसर होगा ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. उन्हें सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता था. He was fond of asking questions, all right, and was never satisfied. उन्हें कभी भी शांति नहीं होती जब तक उन्हें सारे answers नहीं मिल जाते. So he was never satisfied till he got all his
answers. Okay. Second, his dad took him home, but they knew well that he was not a stupid boy. Okay. So his parents, उसके जो parents थे वो उसे घर लेके गए school से. जब teacher ने complain की थी तो वो उसको घर लेके तो चले गए, और घर ज़रूर लेके गए लेकिन उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ही वॉज नॉट अ फुलिश बॉय, वो बेवकूफ़ बच्चा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, विद द हेल्प एंड डैश ऑफ हिज मदर ही मेड गुड डैश. विद द हेल्प एंड एनकरेजमेंट, उनकी मम्मा हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती, सो एनकरेजमेंट. With the help and encouragement of his mother, he made good progress. Clear? अब आते हैं fourth. Fourth fill in the blank says, while he was doing an dash in his dash, the train turned round a corner. So, while he was doing an experiment. और वो ये experiment कहाँ कर रहे थे? वो अपने railway wagon के अंदर कर रहे थे. ठीक है. सो इन हिज रेलवे वैगन. क्लियर. सो दिस वॉज द आंसर. आई होप चिल्ड्रन यू हैव नोटेड डाउन ऑल द आंसर्स. आप सबने आंसर्स नोट कर लिए होंगे. सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर. आई होप दैट यू लाइक द सेशन. आपको शायद अच्छा लगा होगा एडिसन के बारे में पढ़ के. आई विल मीट यू सून अगेन विद अ न्यू वीडियो वेयर वी वुड लर्न समथिंग मोर इंटरेस्टिंग. सो बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियो.